धक्का मुक्की ऐसी हुई बहुत ज्यादा ज्यादा धक्का मुक्की थी के ऊपर हॉस्पिटल में घुसा हूँ तो वहाँ बहुत सारी बॉडियां पड़ी हुई थी, कह नहीं सकता इतनी बॉडियां थी, बट मैंने वहां जाके देखा तो मेरी सिस्टर की बॉडी मिली, तीन बॉडियों के ऊपर बॉडी मिली। मम्मी का नहीं पता चला, दो घंटे ढूंढा, तीन घंटे ढूंढा, नहीं पता चला। हम गाड़ी के पास थे, मम्मी को देखा एक घंटे में आ जाएंगी, दो घंटे में आ जाएंगी, नहीं पता चला। क्या आप यकीन कर सकते हैं, हाथरस सत्संग सभा में हुए दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों की खुशियों को छीन लिया है। सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं और अब भी लोग अपने प्रियजनों को खोजने के लिए पोस्टमार्टम हाउस पहुंच रहे हैं। इस हादसे को बीते 20 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और स्थिति अब भी भयावह बनी हुई है। अलीगढ़ के थाना जवा इलाके के सिकंदरपुर के रहने वाले लोकेश बताते हैं कि उनकी बहन, भाभी और दादी भी इस सत्संग में गई थी। उन्होंने बताया कि इस हादसे में उनकी बहन की जान चली गई। लोकेश कौन थी आपकी जो मेरी सिस्टर थी? वो तुम्हारी सिस्टर थी जी। सर वहाँ पर मतलब ढाई घंटे का टाइम था सत्संग का, वहाँ डेढ़ घंटे में खत्म हो गया। तो वहाँ से अफरा तफरी मची, ज्यादा संख्या में लोग मरने लगे, तो हमको भी पता पड़ा कि हमारे घर वाले अभी तक नहीं आए। तो मैंने भी वहाँ कम से कम 5 घंटे सर उनको ढूंढा, नहीं मिले। मेरे भांजा, दो भांजे थे, एक मैं था, हम तीन जनों ने खूब ढूंढा, नहीं मिले। खूब प्रयास किया, फिर तीन लोग खोए हुए थे, एक हमारी भाभी जी थी, एक हमारी दादी जी थी और हमारी एक सिस्टर थी। इनमें दो लोग तो हमको मिल गए, 5:30 बजे दो लोग हमको मिल गए, उनकी ज्यादा हालत गंभीर थी। लोकेश ने बताया कि 2.5 घंटे से इस सत्संग समारोह में भगदड़ मची और ज्यादा संख्या में लोगों की जान चली गई। मैंने अपनी बहन, भाभी और दादी को 5 घंटे तक खोजा, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। बाद में बहन की अस्पताल में बॉडी मिली। सिकंदराबाद पहुंचने के बाद मैंने जैसे हॉस्पिटल में घुसा हूं तो वहां बहुत सारी बॉडियां पड़ी हुई थी, कह नहीं सकता इतनी बॉडियां थी, बट मैंने वहां जाके देखा तो मेरी सिस्टर की बॉडी मिली, तीन बॉडियों के ऊपर बॉडी मिली। वहां देखकर मैंने दो बार पहचान किया, अच्छे से नहीं पहचान पाया, पर मैंने ज्यादा तरीके से मतलब मैं भी घर आया हुआ था तो मैंने अच्छी तरीके से पहचान किया। पहचान करने के बाद उन लोगों ने फिर बोला कि कौन है आपकी, कौन लगती है? बोला सर मेरी सिस्टर है। कि कहाँ से हैं आप? मैं सर मैं जमा से हूँ। कि सिस्टर कहाँ की है आपकी? मैंने जमा सिकंदरपुर से है। और कि आपका जिला कौन सा है? मैंने सर मेरा जिला अलीगढ़ है। तो ठीक है, तो आप इसका इनका नाम वगैरह लिखवाइए और आप हाथरस पहुंच जाइए। वही टिंकू कुमार अपनी 70 साल की माँ सावित्री देवी को खोजने के लिए धर धर भटकते रहे। हाथरस, एटा और अलीगढ़ में भटकने के बाद आखिरकार उन्हें अपनी माँ की बॉडी हाथरस में मिली, जो इस सत्संग सभा हादसे की भेंट चढ़ चुकी थी। दर्शन के लिए गए थे, वहाँ भीड़ ज्यादा थी, धक्का मुक्की ऐसी हुई बहुत ज्यादा ज्यादा धक्का मुक्की थी के ऊपर एक, उसमें हम भी दब गए थे। कौन था, क्या नाम था उनका? सावित्री देवी। सावित्री गुरुग्राम में एकदम ऐसी भीड़ आई तो मतलब एक के ऊपर एक मम्मी बहुत ज्यादा नीचे दब गई थी हमारी। ऐसा क्या हो रहा था वहाँ पर जो एक के ऊपर एकदम भीड़ एकदम टूट पड़ी? किस चीज पर भीड़ टूटी थी? प्रभु जी आए थे उनके उनके चरणों की धूल लेने के ऊपर एक के ऊपर एक। अच्छा, चरण धूल के लिए। टिंकू कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वे सत्संग में दर्शन करने गए थे, लेकिन वहां भीड़ ज्यादा थी, धक्का मुक्की और भगदड़ के कारण स्थिति इतनी खराब हो गई कि एक के ऊपर एक लोग चढ़ने लगे। इस भगदड़ ने उनकी मां सावित्री देवी की भी जान चली गई। ये हादसा एक बड़ी चेतावनी है कि भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। प्रशासन को इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिल सके और भविष्य में इस तरह की त्रासदी से बचा जा सके। लोकल 18 के लिए अलीगढ़ से वसीम अहमद की रिपोर्ट।